इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ प्रभारी अरुण उरांव 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। दोपहर 2:30 बजे दिल्ली से रायपुर आकर स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद बैकुंठपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे और अगले दिन यानी कि 10 जुलाई को कोरिया जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित जिला कार्यकारिणी की बैठक में वो शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने के बाद मनेन्द्रगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। यहाँ भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक में वो शामिल होंगे। इसके बाद रायपुर वापस आ जाएंगे अरुण उरांव और फिर 11 जुलाई को रायपुर के स्थानीय कार्यक्रमों में भी वो शामिल होंगे। तो अरुण उरांव 3 दिन के छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, स्थानीय कार्यक्रमों में वो भाग लेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में उनके दौरे हैं और खासी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हेमंत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। हेमंत, जैसा कि अरुण उरांव का 3 दिनी दौरा छत्तीसगढ़ में रहने वाला है, कितना खास ये रहने वाला है और कितनी तैयारियां इसको लेकर की गई हैं? देखिए, दूसरा इस साल के अंत में यहाँ पर स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, पंचायत के चुनाव होने हैं। उस लिहाज से जो छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं अरुण उरांव, उनका दौरा काफी अहम माना जा रहा है। करीब 2:30 बजे वो रायपुर पहुंचेंगे और रायपुर पहुंचने के बाद यहाँ पर स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे और उसके बाद सीधे बैकुंठपुर जो कोरिया जिले में है वहाँ के लिए रवाना हो जाएंगे। उसके बाद कल कोरिया जिला कांग्रेस कमेटी की जो जिला कार्यकारिणी की बैठक है उसमें वो शामिल होंगे। उसके बाद वहां पर बैकुंठपुर में बैठक लेंगे, बाद वो मनेन्द्रगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक है उसमें भी वो शामिल होंगे। उसके बाद अगले दिन के कार्यक्रम के उनके बाद की जाए तो वहां पर वहां से बैठक लेने के बाद कांग्रेस जनों से मुलाकात कर वो यहाँ राजधानी रायपुर लौट आएंगे और राजधानी रायपुर में स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। यहाँ पर कई बैठकें भी वो ले सकते हैं क्योंकि इस साल के अंत में चुनाव होना है और आज इस तरीके से लोकसभा चुनाव में एक करारी हार कांग्रेस को मिली है तो फिर से बूथ को मजबूत करने की ओर कदम कांग्रेस बढ़ा रही है, चाहे वो इसलिए यही नतीजा है कि अरुण राव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटियों के बैठक में शामिल हो रहे हैं और एक तरीके से ऊर्जा का संचार भी वहां पर होगा क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से जो कार्यकर्ता है वो मायूस से थे। काम उन्होंने जरूर किया था लेकिन जिस तरीके से मोदी का चेहरा था उसके वजह से लगातार न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में कांग्रेस को हार मिली थी। तो अब बूथ को फिर मजबूत करने की दिशा में कदम कांग्रेस ने बढ़ाया है और इसी के सिलसिले में जो छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिव है अरुण उरांव वो दौरे पर है। इसके बाद लगातार जो प्रभारी हैं पीएल पुनिया, चंदन यादव, इनका दौरा होगा। इसके अलावा अलग अलग बैठकें कांग्रेस की हो सकती है। अगर स्थानीय निकायों की बात की जाए तो कई नगर निगमों में अभी कांग्रेस का कब्जा है लेकिन अगर नगर निगमों में बात की जाए तो महापौर के खिलाफ काफी विरोध देखने को मिल रहा है। तो आप क्या परिसीमन के आधार पर क्या चीजें वहां पर निकल के आती है? रायपुर की बात की जाए तो यहां पर ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार हो सकता है और अगर पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार होता है तो फिर उसको लेकर गहन अध्ययन कांग्रेस और भाजपा दोनों में होगा क्योंकि राजधानी रायपुर का जो नगर निगम है उसको हर हाल में जीतने की कोशिश भाजपा और कांग्रेस दोनों करेगी। जैसा कि हेमंत आप जिक्र कर रहे थे कि उनके बाद पीएल पुनिया का भी दौरा रह सकता है और भी बड़े नेता हैं जिनका दौरा रह सकता है, लेकिन फिलहाल अरुण उरांव के साथ में और कौन साथ में मौजूद रह सकता है? कार्यक्रम में किन किन खास लोगों की उपस्थिति देखी जा सकती है? देखिए, अरुण उरांव सिर्फ अकेले वहां पर जाएंगे क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मां का निधन हुआ है तो जो सभी कार्यक्रम है यहां रद्द कर दिए गए थे। कल प्रदर्शन भी जिस तरीके से मिट्टी तेल में कटौती और दान जो चावल है उसमें कटौती केंद्र सरकार ने की है तो उस पर कल जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन होने वाला था लेकिन उनकी माँ के निधन के चलते उसको स्थगित करना पड़ा था। हालांकि अरुण उरांव अकेले वहां पर जाएंगे लेकिन वहां पर जो लोकल नेता है जो अच्छी तरीके से वहां पर राजनीति को समझते हैं वो उनके साथ मौजूद रहेंगे। नगरी निकाय के साथ साथ जिस तरीके से दो उपचुनाव
जिस तरीके से भीमा मंडावी जो दंतेवाड़ के विधायक थे उनकी नक्सलियों ने मौत कर दी थी, उसके बाद से वो सीट खाली है। इसके अलावा जो चित्रकूट से विधायक थे दीपक बैज, वो सांसद बन गए हैं, तो वो ये दोनों सीटें खाली है, दोनों का उपचुनाव होना है, तो इसको लेकर भी वहां पर चर्चा होगी। इसकी तैयारियों की समीक्षा भी जो अरुण उरार है वो करते नजर आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत।